गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो अभी हम लोग हैं अबू धाबी एयरपोर्ट पे। तो लास्ट टाइम आप लोग से बात हुई थी एयरक्राफ्ट पे, तो अभी हम लोग उतर चुके हैं और बहुत ही यहाँ पे डिसिप्लिन है थोड़ा, वो मुझे पता चला उतरने के टाइम ही। और अभी शायद होगा इमिग्रेशन होगा, उसके बाद हम लोग आउटसाइड जाएंगे, देखेंगे क्या चीपेस्ट है ट्रैवल करने के लिए। और मैंने जितना रिसर्च किया तो उसके हिसाब से आई थिंक बस ही है यहाँ पे चीपेस्ट जिस पे आप ट्रैवल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से एक्सलेटर से चलिए नीचे चलते हैं। और वेलकम बैक। तो हम लोग बाहर आ चुके हैं और मैंने बस कार्ड वहीं बाहर निकलने के टाइम आपको वहाँ से बस कार्ड मिल जाएगा। किसी से भी पूछोगे तो वो बता देगा कि बस कार्ड कहाँ से मिलेगा। आप वहाँ से 20 दिरहम लेके बस कार्ड खरीद सकते हो और उसमें कुछ रिचार्ज भी रहेगा आपका। तो मेरा अभी कार्ड में रिचार्ज है, तो मैं अभी अबू धाबी मॉल जा रहा हूँ। आप चाहो तो सिम भी ले सकते हो, वहाँ से सिम भी मिल जाएगा आपको, लेकिन सिम का प्राइस कुछ ज़्यादा रहेगा, 79 दिरहम, वही समथिंग 1200-1300 इंडिया का। और ये बाहर का कुछ खूबसूरत नज़ारा है और क्लीनिंग के मामले में बढ़िया है कंट्री, हम लोग इंडिया से तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे क्लीनिंग के मामले में। और डिसिप्लिन बहुत अच्छा है यहाँ पे। अब ये छोटा सा एक स्टेडियम है, तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं कि कितना देर में आने वाला है अबू धाबी मॉल। अभी तो आई थिंक मुझे लगता है कि 30-35 मिनट्स लगेगा, तो मैंने गूगल मैप पर चेक किया था 35 मिनट्स लगेगा। और ये मैंने फ्री सिम के बात किया था, तो फ्री सिम आपको दुबई में मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा अबू धाबी पे। और ये है शेख जायद मस्जिद, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है बाहर से, किसी दिन आपको अंदर पे भी ले जा कर दिखाऊँगा इस टाइप का है ये। तो फ़िलहाल अभी तो मैं उतर नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है यहाँ का, अभी डायरेक्ट मुझे अबू धाबी का बस स्टैंड जाना है, वहाँ से मॉल के लिए पकड़ूँगा बस। और ये हम लोग आ चुके हैं अभी अबू धाबी बस। और रोड क्रॉसिंग पर ये जो ग्रीन लाइट है वो हमेशा ग्रीन रहना चाहिए, तभी रोड क्रॉस करना वरना मत करना। और ये जो रेड है तो वहाँ पे एक बटन है, उसको पुश करना, एक मिनट के अंदर अंदर वो ग्रीन हो जाएगा। तभी ऐसा नहीं कि अब दौड़ने लगाओ रोड पे, यहाँ पे बहुत फास्ट चलता है कार, तो पता भी नहीं चलेगा किधर से मार के चला गया। तो अभी अपने को मेरा फ्रेंड से मुलाकात हो गई है, तो अभी अपन चल रहे हैं अजमान। तो अभी बस पे है, अजमान का बस मैंने पकड़ लिया। और एक बात ये है कि आप जब भी अगर दुबई जाना है आपको, तो आप अबू धाबी पे कहीं पे भी रहो, तो वहाँ से आपको अबू धाबी बस स्टैंड जाना पड़ेगा, सेंट्रल बस स्टैंड। और वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ से दुबई का कार्ड ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ किस टाइप का दिखता है दुबई का कार्ड। और दुबई का कार्ड ख़रीदने के बाद समथिंग वहाँ से कुछ आपको बस मिलेगा जो कि 27-30 दिरहम लेगा दुबई के लिए। तो दुबई उतरने के बाद अभी वहाँ से अजमान के लिए मुझे अभी यहाँ से मेट्रो पकड़ के यूनियन जाना पड़ेगा, तो मेट्रो का वीडियो अब नेक्स्ट आने वाला है। तो अभी मैं यूनियन जाऊँगा यहाँ से, तो यहाँ से फिर से बस पकड़ने के बाद मैंने बस एक्सचेंज किया, अभी यहाँ से मैं यूनियन जा रहा हूँ। ये अभी आई थिंक यूनियन जाने का रास्ता है, तो चलिए देखते हैं किस टाइप का है। और यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप अगर कार बुक करते हो उबर से और तो आपको ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन आप अगर चाहो तो बस में भी जा सकते हो। तो अगर आप अबू धाबी में उतरते हो तो अबू धाबी का अलग कार्ड आता है बस कार्ड, वहाँ पे मेट्रो नहीं है, ओनली बस है, तो आपको वहाँ का बस कार्ड लेना पड़ेगा। और अगर आप वहाँ से अगर आपको दुबई जाना है, तो आप ये अबू धाबी बस स्टैंड सेंट्रल बस स्टैंड से आप दुबई का कार्ड ले लो, या फिर दुबई का स्लिप देता है वो ले लो, वहाँ से दुबई चले जाओ। अब दुबई जाने के बाद अब वहाँ से मेट्रो कार्ड ले सकते हो या बस कार्ड, दोनों वहाँ पे एक ही कार्ड चलता है, मेट्रो बस दोनों पे दुबई में, लेकिन अबू धाबी में आपको दूसरा कार्ड लेना पड़ेगा। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है बाहर का। आई थिंक अभी बस फ्लाईओवर के ऊपर चल रही है, और ये फ्लाईओवर का ऊपर का नज़ारा है। और ये यहाँ पर आई थिंक प्रिंस होगा कोई, इतना तो आइडिया नहीं है हमारे इसके बारे में। और ये कुछ है रास्ते इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, तो उधर से इंडस्ट्रियल एरिया जा सकते हो। और अभी तो फ़िलहाल बस पे बैठे हैं। और एक चीज़ यहाँ पे सही है कि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हर जगह पे AC लगा हुआ है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे
अब 46-70 डिग्री गर्मी है तो कैसे सर्वाइव करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो कोई सा भी रूम पे भी जाओगे, अगर आप कोई सा भी बेड स्पेस लोगे या फिर कहीं पे भी रूम भी लोगे, कितनों चीपेस्ट में भी लोगे, फिर भी आपको एसी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब अभी तो अप्रैल मई जून जुलाई में तो और भी ज़्यादा गर्मी देता है, अब तो बाहर में रह भी नहीं सकते, इतना गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी। और ये आगे है दुबई, ये लेफ्ट तो इधर साइड है, लेफ्ट दुबई साइड पे दुबई एयरपोर्ट है, डायरेक्ट एयरपोर्ट एयरपोर्ट जाते हैं। दुबई एयरपोर्ट पे अगर लैंड करते हो तो यहाँ से आपको मतलब डायरेक्ट सिटी पे ही लैंड करोगे, तो यहाँ पे आपको अबू धाबी का कार्ड और कुछ लेने का सीन नहीं है, डायरेक्ट आप सिटी पे ही उतरोगे। अगर यहाँ से आपको जाना पड़ेगा तो वहाँ से मेट्रो कार्ड या फिर बस कार्ड लेके डायरेक्ट घूमने के लिए दुबई मॉल जा सकते हो। तो अभी हम लोग अभी है अलबरा में, अलबरा है ये जगह का नाम, बर दुबई। तो अभी अलबरा पे हम लोग चल रहे हैं और अभी जा रहे हैं आगे यूनियन मेट्रो स्टेशन। तो अभी यूनियन मेट्रो स्टेशन है और ये आउट साइड एरिया, और यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स बहुत ज़्यादा है और फाइन तो पूछो ही मत इतना है इंडिया का। मेरे एक दोस्त ने बताया कि यहाँ पे 20,000 रुपीज़ को इंडिया जो टैक्सी ड्राइवर रहते हैं उनको सिर्फ चालान पे करना पड़ता है। और ये मेट्रो स्टेशन, यूनियन मेट्रो स्टेशन, तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा मेट्रो का जो। तो अभी यूनियन मेट्रो स्टेशन के सामने हूँ, तो अभी यहाँ से अपन जाने वाले हैं दुबई मॉल बुर्ज खलीफा। तो टच पे रहो, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कुछ टाइम।